हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों। जो आपसे वादा किया था, आखिर फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो बात मैंने आपको दो चार दिन पहले ही बोल दी थी, दो चार दिन दो बार क्यों बोल रहा हूँ कि एक चार दिन पहले वीडियो और एक दो दिन पहले वीडियो बनाया था, तभी आपको बोल दिया था कि लाडलो सिर्फ इतने प्रश्न करके आ जाना, लोग इतने भी नहीं कर पाएंगे। अब हालत ये हो रही है कि 40% भी मार्क्स बच्चों के नहीं आ रहे हैं, फिर भी घबराहट हो रही है कि एक बार सर बता दो कि इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। पहले जो लोग आपको 130 क्वेश्चन बता रहे थे, 120 बता रहे थे, वो लुढ़क करके वहीं पे आ चुके हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उमेश शर्मा से जुड़ने का मतलब है कि हमें सही गाइडेंस मिलता है स्टार्टिंग में, जिससे हम वो गलतियां नहीं करते जो एग्जाम में बाकी बच्चे करते हैं। अगर आपको ट्रस्ट है और इससे आपको फायदा मिला है, पॉजिटिविटी मिली थी एग्जाम में जाने से पहले, प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम भी विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हो जाती। अभी 10+2 भी आएगी और सीईटी पास होने के बाद में और भी एग्जाम्स आएंगे, जिनके लिए उमेश शर्मा हमेशा आपके साथ बना रहता है। एक और चीज आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बता दूं, जो चीज आपके 10-20 हजार के कोर्स नहीं कर पाए ना, वो कमाल आपके 500 रुपए के कोर्स ने कर दिया। इस चीज को भी मानते तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए, चाहे आपका करंट अफेयर हो, चाहे आपका राजस्थान जीके हो, सिर्फ 12,000 क्वेश्चन में से, या फिर अगर मैं बात करूं तो आपका इंडियन जीके के जितने भी गिने चुने क्वेश्चन आए वो भी आपको वहां से मिले। तो इस चीज की मुझे खुशी है कि 300-400 रुपए में भी मैं आपके लिए वो कर पाया, एक गरीब बच्चे के लिए जो लोग 10-20 हजार में भी नहीं कर पाए। तो इस चीज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने विश्वास जताया। और अगर आपको ये विश्वास है तो ये विश्वास और ये पेक आपके लिए सीईटी 10+2 के लिए भी लागू है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, आपकी लाइफ का सवाल है। ध्यान से समझिएगा, आरएसएसपी सीईटी स्नातक स्तर, मैंने आपको पहले बोला था कि जनरल कैंडिडेट हो, अगर 55-60% के बीच में क्वेश्चन कर रहे हो, यानी कि 85-90 के बीच में क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप टेंशन मत लेना। एसटीएससी है तो अगर आप 50% से अबव भी अगर आप कर रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिएगा। एक और पॉइंट मैंने बोला था, ये चीजें रिवाइज इसलिए कर रहा हूं जिससे आपको पता चले कि सर ने ये चीजें क्लियर की थी, कि ये 60% मैं आपको 55-60% मैक्सिमम बता रहा हूँ लाडलो एग्जाम होने के बाद में। इसमें और भी जो चीजें होगी वो डाउन होगी, और आप खुद देख रहे हैं बच्चों का लेवल कि इतना डाउन जा रहा है। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप जगह जगह जाकर के कट ऑफ देख रहे हैं, वहां पे कई बच्चे आपको ऐसे बता रहे हैं कि मेरे 110 क्वेश्चन सही है, कोई बोल रहा है मेरे 100 क्वेश्चन सही है। पहले तो मैं बोल दूं, जो 100 से प्लस बोल रहा है ना, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी के आ नहीं सकते, लेकिन कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो हापल हाई लेवल की तैयारी करते हैं, टेंशन फ्री ऑलरेडी जॉब में है वो लोग हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे इस चीज को। आपको ये चीज बता रहा हूं, इन लोगों के चक्रों में टेंशन में मत आइएगा। 110 वाला बोलो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अगर कोई आपको 90 क्वेश्चन बोल रहा है तो वहां आप ट्रस्ट कर लीजिएगा, लेकिन जो बच्चा अभी आपको 90 क्वेश्चन बोल रहा है या जो बच्चा 100 क्वेश्चन बोल रहा है, उससे आप अभी तो आंसर की नहीं आई है, उससे पहले बता रहा हूं कि 4-5 दिन रुक जाओ, 5 दिन बाद में मेरा एक और वीडियो आएगा, उसमें मैं सारी चीजें आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। अभी तो आप लोग टेंशन में, इसलिए वीडियो लेकर के आया हूं। जो बच्चा आपको 100 क्वेश्चन बता रहा है ना, वो 85-90 के बीच में आ जाएगा, गारंटी के साथ करो, ये लिख के ले लो। और इस चीज को आप कहीं भी क्लिप बना करके भी डाल लेना कि सर ने ये बात बोली थी। जो बच्चा 90 क्वेश्चन बोल रहा है ना, वो आराम से वही 10-15 जाएगा, लेकिन वो 80-82 के ऊपर वो बच्चा भी आ जाएगा। ये हर बच्चे की कंडीशन है, क्योंकि अभी आप जहां से मैच कर रहे हो, कई क्वेश्चन तो आपके रोंग है उसको भी सही बताए जा रहे हैं, और जो क्वेश्चन आपके सही है उनको भी रोंग बताया जा रहा है। आप जगह जगह जाकर के जहां भी आंसर की चेक कर रहे हो ना, मैं भी वो चीजें देख रहा हूं, बच्चों के क्वेरी जा रही है सर ये क्वेश्चन सही था फिर भी गलत है, तो उसके लिए वजह से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सही है लेकिन आंसर के में गलत बताए गए हैं, जहां भी आप देख रहे हैं। देखिए, हो सकता है जल्दबाजी में एकदम से जब आंसर की बनाई जाती है ना, तो टीचर से भी वो चीजें एकदम से पूरा चेक नहीं हो पाता, गूगल भी कई क्वेश्चन के आंसर है वो अलग बता देता है, इस वजह से ये डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन जब आंसर की आएगी ना तब आपको इस चीज का पता चलेगा। इसलिए अगर कोई कह रहा है आप पोल देख रहे हो, तो पोल में सब फेक रिजल्ट होते हैं, इसलिए आजकल मैंने पोल लगवाना ही बंद कर दिया है। इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको कोई कुछ भी बोल रहा है तो इस बकवास को छोड़ दीजिएगा। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो कट ऑफ को लेकर के पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करता हूँ, पहले तो जो चीजें आपके मन में थी उसको लेकर के डाउट क्लियर कर दिया है। अब ये बोल रहे हैं कई बच्चे कि सर 50% आना भी मुश्किल हो रखा है, सर 50 की छोड़ी 40% भी नहीं आ पा रहे। कई लोग बोले थे 12 लाख लोग एग्जाम देंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि राउंड फिगर के अंदर मैं चारों शिफ्ट की बात करूं, आपको 70% और 72% के कुछ स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, इतनी अटेंडेंस रही है, लेकिन ओवरऑल मैं बताऊं, एक रूम में 24 में से जो बच्चे थे वो 16-17 बच्चे
बच्चे थे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 65% के समथिंग मेरे अकॉर्डिंग है वो अटेंडेंस है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग भी अगर मैं बात करूँ ना, चलिए राउंड फिगर में बात करूँ तो 7.5 लाख लोग थे ना वो यहाँ पे प्रेजेंट थे। उनमें से अगर मैं बात करूँ लाडलो तो 50% को तो सिलेबस भी नहीं पता था, ठीक है। 50% को सिलेबस नहीं पता, जिनको पता था वो अच्छे से तैयारी करके भी नहीं आ पाए क्योंकि सिलेबस का काफ़ी लेंदी था और ये पता ही नहीं चला कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आ रहे कहाँ से कम आ रहे। 100 क्वेश्चन तो सिर्फ जीके के थे, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन भी लिमिट में थे, मैथ के तो ना के बराबर थे। और ये चीज़ मैंने आपको जब से वीडियो बनाया तब से बोला था कि मैथ इसमें बहुत कम आएगी, 10+2 में मैथ बहुत अच्छी आएगी। ये चीज़ अब भी नोट कर लेना जब 10+2 देने जाओ, और पहले भी मैंने बात बोली थी ये चीज़ आपकी चल रही है। अब यहाँ पर सवाल ये बन रहा है कि सर क्वेश्चन जो वहाँ करके आए यहाँ करके गलत हो गए, तो मैं आपको पहले भी बोला था कि लास्ट में जाके ज्ञानी मत बनना, वो आप ज्ञानी बने थे, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। कमेंट करके जरूर बताना कि गलतियाँ कहाँ होती हैं, 10-12 क्वेश्चन गलत होते हैं जहाँ पहले आप सही क्लिक कर देते हो लेकिन बाद में ओमार भरते हुए आप ज्ञानी बन जाते हो, वहाँ गलतियाँ हुई हैं। और ये गलती आपके साथ ही नहीं लाडलो, टेंशन में मत जाना। कई बार मन करता है कि सर को पकड़ करके बाल नोचूं अपने, ऐसा हालत होती है ना, लेकिन वो सबकी हालत होती है, इसलिए खुद को ब्लेम मत करना। मैं हमेशा आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देने की कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ आपके साथ हो रहा है वो नेगेटिव मत जाइए, ठीक है। तो ये टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, आप सबके साथ ऐसा हुआ है। कंडीशन ये हो रही है कि इतने मार्क्स भी बच्चों के नहीं बन रहे हैं। अब आपको बोलेगी सर किस जो पोस्ट है उसके 15 गुना को पास किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो के अंदर आपको बताया था 5000 समथिंग ही पोस्ट थी, उसके अंदर पहले क्या बोला था 15 गुना को पास किया जाएगा, 8 गुना को, 10 गुना को, बहुत सी बातें आई थी, अफवाहें चली थी, लेकिन हुआ क्या, 1 लाख+ लोगों को पास किया गया ना, ठीक है। आप समझते हो ना इस बात को कि सारी चीज़ें हुई। तो यहाँ पे सीटी पहली बार लागू हुई है, बोर्ड भी चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ में शामिल किया जाए क्योंकि बोर्ड को एक तरीके से कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी तो मिलता है जितने बच्चे होंगे, इसलिए एक बार मौका दिया जाएगा। और अभी ये स्टार्टिंग है, इस चीज़ को किस तरीके से ये लागू करते हैं इनके भी समझ में आएगा, उससे पहले ये बहुत से बदलाव करेंगे, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब आप सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूँ, ये चीज़ें थी जो आपका डर खत्म हो सके। यहाँ पर मेनली मैं जो बात कर रहा हूँ उसको समझ लीजिएगा, जो कट ऑफ को लेकर के आप टेंशन में है ना, तो यहाँ इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अगर आप ठीक है जनरल के स्टूडेंट हैं, जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं, तो यहाँ से समझ लीजिएगा, मैंने आपको पहले बताया था, ध्यान से समझ लीजिएगा, 85 से 90 क्वेश्चन के बीच में आपके सही होने चाहिए, ठीक है। इतना मैंने आपको बताया था, यानी 180 तक, मैं इसको और थोड़ा सा डाउन कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपके जनरल कैंडिडेट 80 से 85 क्वेश्चन के बीच में आपके सही है, यानी कि अगर मैं और बात करूँ कि 160 से 170 नंबर अगर आपके आ रहे हैं ना, तो आप टेंशन मत लेना। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट अगर आप हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, तो 75 से 80 के बीच में यहां आप एमबीसी को भी ले सकते हैं। एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं कि 152 आपकी ये जो कंडीशन बन रही है, यहां से समझ लीजिएगा 152 अगर आप 160 के बीच में आ रहे हैं ना, मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन का डिफरेंस बता रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, इसलिए ये ज्यादा ये आपको मार्क्स में डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। यहां समझ लीजिएगा 5 दिन बाद में मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट बता दूंगा, जैसे वनपाल वन रक्षक पटवारी वीडियो में बताई थी, ये बिना नॉर्मलाइजेशन के हैं। इसी के साथ में अगर आप एसटी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, एसटी के कैंडिडेट, एक और चीज़ बताऊंगा, एक लाइन में मैं सारी बातें करूंगा, पहले उस चीज़ को समझ लीजिएगा, अगर कि वीडियो की तरह भी हो सकता है क्या, वो चीज़ समझ लीजिएगा। अगर आप एसटी के कैंडिडेट हैं ना लाडलो, ध्यान से समझ लीजिएगा, फीमेल कैटेगरी तो इससे और कम मान लीजिएगा, अगर आप एसटी के कैंडिडेट हैं ना, तो यहाँ आराम से समझ लीजिएगा कि अगर आप, आपको विश्वास नहीं होगा एक बार कि ऐसा भी हो सकता है क्या, एसटी एससी अगर आप कैंडिडेट हैं ना, तो मुझे बार बार ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगेगा इतना भी डाउन जा सकता है क्या। चलिए एक बार मैं आपको कम से कम ही बता दूँ, 70 से 75 के बीच में अगर आप हैं ना फीमेल कैंडिडेट, तो और भी डाउन आ जाना, यानी कि अगर आप 140 ठीक है तो 150 के बीच में है, तो आप बिल्कुल अभी टेंशन मत लेना, ठीक है। ये आपका अभी का जो बच्चों का रिव्यू, ये कब बता रहा हूँ, ये अभी नहीं आपको लग रहा है ना कि ये इतना होगा, ये जब 5 दिन हो जाएंगे ना आपको, ध्यान से समझ लेना, अभी तो आप हवा में उड़ रहे हो। कई बच्चे अलग अलग जगह जाकर कमेंट करें, अगर 40% वालों को ही पास कर दिया तो क्या मतलब रहा, ये वो ज्ञानी है जो तुक्के मार के आए, 5 दिन बाद यही जगह जगह जाकर के पूछेंगे जी मेरे तो अत्ता ही आ रहा है कि करूं ओ जासी की, ये पूछो ना, तो ए आका चक्रा में मना जो, ये जो है ना खुद जय माता जी जय भैरव जी बोल रहा है। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है ना जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की, वो भी 110 तक मुश्किल से पहुंच पाया है क्योंकि गलतियां हुई, और एग्जाम का प्रेशर होता वो एक अलग बात होती है,
इसलिए कह रहा हूँ, ये जो 5 दिन बाद आपने जिस दोस्त से आज और कल बात की, आपको अभी पता है डिफरेंस कहाँ नजर आएगा। जिस दोस्त से आपने कल बात की थी ना, दोबारा फोन करना है मेरा वीडियो देखने के बाद कि भैया कत्ताक बन रहा है, ठीक है। और लड़कियां फोन करें तो सहेली ने फोन कर लियो, बोले भाई बता जी आप देखा नहीं कत्ताक बन रहे, काल तेरा अतरा बन रहा है ना, तो भाई एक बार फोन कर जरूर पूछो रे, कमेंट कर जरूर बतायो कि गुरु जी थे सांची खेरिया, वो काल तो अतरा बता रही और काल अतरा बता रही और आज अतरा होगा, ठीक है। ये नंबर है थारा कन, हाँ नंबर पर जरूर मन मैसेज कर जो मन भी पॉजिटिविटी मिले कि मैं थारे लिए अगर कुछ पॉजिटिव कर सकूँ, थारी टेंशन कम कर सकूँ। आ नंबर पर बता जो गुरु जी थे सही किया, मैं हमारा फ्रेंड ने और हमारी दोस्त ने फोन कर पूछी कि यही बोलिया, ठीक है। तो आज जरूर ध्यान से दे लियो, आज मैं वो वीडियो थान दे रही हूं कत्ती 9 जनवरी ने थे, 14 जनवरी ने या 15 जनवरी थाने में एक और वीडियो दे सी हूं, बीके मान में थानी कट ऑफ का लेकर कन्फर्म बता दे सी कि ये चीजा मैं थाने क्यों बतायूं। एक और चीज ध्यान सुन लियो, ठीक है। वैसे कह है यान कि वीडियो में जिये हो यो ना, तो बढ़िया हो सके कि ओवरऑल सबने जो 50% आला है ना, आज बात ढंगू सुन लियो, 50% आला है ना बाने सगड़ा ने पास करो जा सके है, ठीक है। इको मतलब क्यों होगो जी के 75 क्वेश्चन सही हो रहा है ना, ठीक है, बाने सगड़ा ने पास कर सके STSC OBC जनरल। अब नॉन TSP वाला टाबर बोल सी गुरु जी मारे तो ते बात ही उन करो, ठीक है। तो नॉन TSP वाला डंगू सुन लियो भैया, जैठे थे मैं अच्छे से 85 बोल रही हूँ ना, बैठे थे 5-5 क्वेश्चन कम कर लियो सब मऊ, 75 से 80, 70 से 75 और 65 से 70, ठीक है। तो फीमेल कैंडिडेट है जो भी, चाहे TSP की जो नॉन TSP की है, जो 80 से 85 बोल रही हूँ ना, बामा से थे के कर सो कि आमा से 2-2-3-3 नंबर कम मान लियो जी, के करना है थाने 78 से 83, बस वो डिफरेंस देखवा से मिलसी क्या है 72 से के मिलसी थाने, ठीक है, 78 ई साहब थाने बस 800 डिफरेंस देखने मिलसी, यानी कि मेल कैंडिडेट से थारे 4-5 क्वेश्चन को आराम से थाने डिफरेंस देखवाने मिलसी। लेकिन अभी आप जो थारो जितो भी रिव्यू मिले हो ना, बी बेस पर मैं थाने बतायूं, जैठा तक है जो थाने मैं पहली बात बोले हो ना, ठीक है, कि हो सके ओवरऑल 50%। और हाँ एक और बात मैं आपको बता दूं, ये रेशियो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तक भी जा सकता है, यानी कि 40% तक भी, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी मैं इस चीज़ को लेकर के फाइनली नहीं कह रहा हूँ, इसको लेकर के मैं 5-7 दिन में बात करूँगा। लेकिन पहले इस वीडियो को प्लीज़ सभी लोगों तक जरूर पहुँचा दीजिएगा, जिससे मुझे लगे कि आपको एक सच्चाई पर विश्वास है, जिस सच्चाई से मैं आप लोगों को हमेशा सही के साथ जुड़ा रहता हूँ। और एक और चीज़ बता दूँ, जो CET वाला कॉम्बो पैक जिन बच्चों के पास में है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस CET ग्रेजुएशन लेवल में अगर आपको 45+ क्वेश्चन अगर मैच हो सकते हैं AGTEE, तो आप ये गारंटी के साथ सुन लीजिएगा कि आपको 10+2 के अंदर अगर 100 क्वेश्चन GK के आते हैं ना, तो वहां पे आपको 60+ देखने को मिल जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि इसको अच्छे से अभी से तैयारी में लग जाना। और जिन बच्चों के पास में नहीं है, उस कॉम्बो पैक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो चीज आप 10-15 हज़ार में नहीं कर सकते वो 500 रुपये में आप कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इस चीज का फायदा जरूर उठा लीजिएगा टाइम टाइम पे, इस पे और भी आपको इसमें बदलाव देखने को मिलेंगे, बहुत सी चीजें ऐड भी होंगी अभी, इसलिए इस चीज का फायदा उठा लीजिएगा। 10+2 की तैयारी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी इसके ऊपर भी आपका वीडियो आने वाला है। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए, और फैक्ट को लेकर के मैं जल्दी आप लोगों से लाइव होऊंगा, उमेश शर्मा 2.0 चैनल पर भी मैं आप लोगों से आज रात को बात करूंगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।